सरकार ताहा प्रतिफलित जेकोसी गाड़ी की कमिश्नरेट पुलिस बाहन मैंने देखुंट जो गाड़ी को छाड़ा कथा से गाड़ी की ही छाड़ कोरोना संक्रामक रोग एपरी भाव व्यापी कटक सहर से कंट्रोल करने को जाए चौदह दिनिया लॉकडाउन सरकार आयोजन करद्वारा देखा जाए कि ना कौन सी लोक ना घर बाहर ना कौन सी लोक एठारे जीवासिया करा कौन सी लोक बिना पास रे किबा बिना ये रे एठी जाऊँगी आसतु देखा आमर भाई मान पचार कौन संक्रामक रोग सकाशे कि प्रकार रे इटी व्यवस्था चली कुछ कहेंगे ऐसा चल रहा है कोरोना तकलीफ की मारा है कोरोना, लेकिन हम कोरोना का सामना करेंगे। हम लॉकडाउन में रहेंगे और सबके साथ रहेंगे, पब्लिक को ये समझाएंगे कि जैसे कि हम हर स्थिति अच्छा हो जाए और ये सरकार हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और उनके साथ साथ हमको लेकर चलना है। आपके लिए कमिश्नरेट पुलिस ने जो कुछ लॉकडाउन किया है इससे आपका कुछ तकलीफ पहुंचा है क्या? बिल्कुल नहीं, तकलीफ कैसे होगा, तकलीफ है लेकिन उसको सामना करना पड़ता है। अगर सामना नहीं करेंगे तो और बीमारी बढ़ेगा, तकलीफ हो गया। इसके लिए हमें सबको साथ लेके चलना है, सरकार के साथ रहना है, सरकार के साथ चलना है, जैसे मर्जी होगा वैसे चलना है। इटी लोगों को कहवा कथा जे सरकार एटा कर स्वार्थपाई जे प्रकार कौन सी लोक जमी बाहर को न बाहरती एवं घरे मध्य रही कोरोना को लड़े को चाहते आउ जने भाई को आम पचार नाटा आज्ञा साहिद बाबू। साहिद बाबू ये जो आप कोरोना लॉकडाउन रे देखुं कटक अवस्था किपर आप फिल कर किसी आपन को कौन सी प्रकार असुविधा हो ताने कौन कमिश्नरेट पुलिस जो ओडिशा सरकार सहित मिसिकी जो लॉकडाउन लकडाउन कर ठीक हम ना भूल हम एकदम बेस्ट अच्छी आज्ञा आज जीवन रही है सब कुछ ये सार को कह कथा शहीद बाबू ये जीवन रही ही सबकि हम मु कैमरामैन तूफान महांती सांगे बुबा दास इंडो टीवी।